हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 351 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कासुया हेयर कट करवाने जाता है और हमें पता चलता है वो 2 दिन से बस 3 घंटे ही सो पा रहा था। हेयर कट करवा के वो कॉलेज जाता है और मन में कहता है, मैं 21 साल का हूँ और 3rd ईयर में हूँ। किस्मत के खेल ने मुझे मिजुहारा से मिलवाया और मुझे उससे प्यार हो गया और अब हम एक ही घर में रहते हैं। वो बहुत सुंदर है, उसकी पर्सनैलिटी लाजवाब है। मेरे जैसे लड़के का उसे पाने का कोई चांस नहीं है, पर शायद कल ये बदल जाएगा। मैंने उसे डेट के लिए पूछा है और ये रियल डेट है। तभी कुरी उसके बहुत पास आकर कहता है, याद है ना मैंने क्या कहा था। काजुया शॉक हो जाता है, वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुरी कहता है, तुम कल ही डेट पे जा रही हो ना, याद रखना सेक्स के बारे में जल्दी कोई बात मत करना, वैसे मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुम 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकोगे। तभी कीबे वहाँ आ जाता है, वो पूछता है, तुम क्या बात कर रहे हो। कुरी कहता है, मास्टरबेशन की बातें कर रहे थे। अब घर जाते हुए काजुया सीडी लेकर घर जाता है और एलसीडी के सामने बैठा होता है। तभी उसे रूका का कॉल आता है, वो पूछती है, तुम कहाँ हो। काजुया कहता है, पेरेंट्स के घर। रूका कहती है, याद है ना हमें नेक्स्ट वीक डेट के लिए जाना है, हम ओयामा स्टेशन पे मिलेंगे क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स के घर के सबसे पास का स्टेशन है और उनका अगले वीकेंड का 10 बजे का प्लान बनता है। अगले सीन में काजुया दादी के घर पे अपने आईब्रोज बना रहा था और दादी उसकी बैक पे खींच के लगाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, आईब्रोज मत बनाओ, ये तुम्हारी फैमिली की निशानी है। तुम्हें अपने बाहरी रूप के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम अंदर से क्या हो ये मैटर करता है। काजुया कहता है, मैं बाहर से अच्छा लुक क्यों नहीं बना सकता। वो मन में कहता है, मुझे बचपन से ही हमेशा कैजुअल रहने के लिए कहा गया है, ये मुझे हमेशा ही अच्छे से तैयार होने से रोक देती थी। दादी कहते है, तुमने प्रॉमिस किया था ना तुम मुझे मिजुहारा का प्ले दिखाने ले जाओगे, क्या हुआ उसका। अब मुझे पता है कि वो एक एक्ट्रेस है, सायुरी के साथ किए प्रॉमिस को पूरा करना मेरी ड्यूटी है। काजुया कहता है, मैं ले चलूंगा कभी। दादी कहती है, ये कभी आ ही तो नहीं रहा है, तुम कुछ कर भी रहे हो। और काजुया फिर दोबारा अपनी आईब्रोज से हेयर निकालने लगता है, दादी उसे ही देख रही थी। वो कहते है, क्या मिजुहारा को तुम ऐसे पसंद हो। काजुया कहता है, हाँ मुझे लगता है उसे पतली आईब्रोज पसंद है। दादी कहती है, ठीक है तो आईब्रोज बना लो। अब रात में काजुया मिजुहारा के घर पे था, वो पैकिंग कर रहा था क्योंकि डेट के अगले दिन उसे घर से जाना है। उसे याइमोरी का मैसेज आता है, वो श्राइन गई थी और काजुया के लिए उसने गुड लक चार्म लिया था, पर क्योंकि वो वापस नहीं आ पाई है तो वो उसे नहीं दे पाएगी, इसीलिए उसने फोटो भेजी थी। काजुया मन में कहता है, कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ बातें याद आती रहती है, जैसे मिजुहारा के साथ मेरी पहली मुलाकात, जब उसने फीलिंग्स के लिए रिसर्च करने को कहा था। मैं दादी को उसकी एक्टिंग दिखाने के लिए प्राउड फील करता हूँ। मैं कीबे से और झूठ नहीं बोलना चाहता, मुझे रूका से भी जल्दी से जल्दी सब कुछ क्लियर करके खत्म करना होगा। मुझे याइमोरी की मेहनत भी बेकार नहीं होने देनी, मुझे सायुरी दादी की एक्सपेक्टेशंस पे भी खरा उतरना है, पर सबसे ज्यादा मैं कल की डेट के बारे में सोच रहा हूँ। उसे रातों को नींद नहीं आती थी, वो सोता था उठता था और बार बार करवट बदलता रहता था, पर इस वजह से वो सपनों में कम से कम 5 बार मिजुहारा से मिल पाता था। दूसरी तरफ मिजुहारा नहा रही थी और उसने सुबह 7 बजे का अलार्म सेट किया था। वो कहती है, कल मुझे डिसाइड करना ही होगा। यहाँ वो अपने डिसीजन की बात कर रही है कि उसे काजुया को हाँ कहना है या ना।